राजस्थान के सियासी संग्राम ने चारों तरफ चर्चे बटोर रखे हैं। 26 दिन हो चुके हैं अब तक पार्टी हाईकमान इस मामले को निपटा नहीं पाया है। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस की करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया और सचिन पायलट पर डोरे डालने शुरू कर दिए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया झांसे में आ गए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई। एक सूबा खोने के बाद भी कांग्रेस ने दूसरे सूबे की मरम्मत के बारे में फैसला करना शायद जरूरी नहीं समझा। सचिन पायलट अपने सहयोगी विधायकों को लेकर करीब 26 दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे, लेकिन पायलट की बात नहीं बन पाई। अशोक गहलोत को सरकार बचाने भर विधायक संयोग से हासिल हो गए। पायलट के खिलाफ ऐसा माहौल बना दिया गया, सचिन पायलट सरकार से न सिर्फ बाहर हुए बल्कि उनसे प्रदेश अध्यक्ष पद भी छीन लिया गया। सचिन पायलट बार बार लगातार भारतीय जनता पार्टी में जाने से इनकार कर रहे हैं। सरकार में वापसी के रास्ते अशोक गहलोत ने खुद बंद कर दिए। कांग्रेस आलाकमान को लगता है जैसे कि उन्हें इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। न राहुल गांधी ने सचिन को अपने घर बुलाया, न प्रियंका गांधी ने गहलोत की जुबान बंद कराई, न सोनिया गांधी ने बीच का कोई रास्ता तलाशा। सचिन पायलट बीजेपी में नहीं जा रहे, इस बात के मायने क्या है? कांग्रेस आलाकमान अब तक इस बात को भांप नहीं पा रहा है। अब जो जानकारी सामने आ रही है वो आपको बताते हैं। सचिन पायलट के जाने से सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस नेता राहुल गांधी को होगा। राहुल कांग्रेस में मजबूत नेता है, लेकिन सत्ता हासिल करने का हुनर जिन लोगों में है उन्हें वो लगातार खोते जा रहे हैं। पहले जगन को खोया, सिंधिया का साथ छूटा और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अलग हो रहे हैं। राहुल गांधी अंदरूनी सूत्रों की माने तो अब एक और जगन बनने से रोकने की रास्ते पर चल दिए हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के बाकी नेताओं को ये समझाने में लगे हैं कि सत्ता झुक कर चलने से मिलती है, अकड़ से जो पास होता है वो भी दूर चला जाता है। मिली जानकारी की माने तो सचिन पायलट के प्रति राहुल गांधी का प्रेम एक बार फिर से जागने के रास्ते पर है। सचिन पायलट के प्रति राहुल गांधी ने शांति और समझदारी के साथ फैसला लेना शुरू कर दिया है और इसीलिए अब सचिन पायलट को मनाने की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने ले ली है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।